पे सभी बैटरियों को सीरीज में जोड़ा है, सब में आप लूप देख सकते हैं, इस प्रकार लूप लगा के सब बैटरियों को जोड़ा है। 8 का सेटअप ऊपर है, 8 का सेटअप नीचे है, 16 बैटरियाँ लगी हुई हैं। ये इसका मैंने शॉर्ट डाला था, उस शॉर्ट पे 1 मिलियन व्यू आ गए थे, उसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और सिर्फ एक ही कमेंट था कि इतनी सारी बैटरियों को सीरीज में आपने क्यों जोड़ा है, इसकी जगह आप एक ट्यूबलर बैटरी या आप लेड एसिड बैटरी, बड़ी बैटरी लगा सकते थे, ये आपने किस काम के लिए लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक UPS सिस्टम है और आपको UPS और इन्वर्टर दोनों में फ़र्क समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा अंतर बता देता हूँ, इसके अंदर पलक झपकने तक भी पावर कट नहीं होती है। आपका जो इन्वर्टर होता है उसमें कुछ पल के लिए पावर कट होती है, जब जैसे हमारी मेन सप्लाई जाती है उस कंडीशन में, जैसे हमारा इन्वर्टर चालू होता है तो हमें 2, 5, 10 पल लगते हैं, आपको पता चलता है इस बात का, मगर UPS के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। इसको मोस्टली कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसको काम में लेते हैं, इसीलिए UPS को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।